तीन चरणों के मतदान के बाद और भी मोदी और शाह साहब बहुत घबरा गए हैं, इसीलिए वो हमेशा इलेक्शन के हटकर बात करते हैं जो उनके चुनावी प्रणाली पे नहीं बोलते, इलेक्शन मैनिफेस्टो पे नहीं बोलते हैं, और सिर्फ उनके जो भी काम है उसके ऊपर भी वो वोट नहीं मांगते, डेवलपमेंट के ऊपर भी सिर्फ हर बात को कांग्रेस को गालियां देना और कांग्रेस के भाषण को मोड़ तोड़ के कहना और शहजादे बोल के जो हमारे पार्टी के नेता को कहना, ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं हैं। अरे आप तो एक इलेक्शन दो इलेक्शन में और दो तीन साल पहले तो ये कहते थे कोई कांग्रेस हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन बार बार फिर कांग्रेस को क्यों गालियां दे रहे हैं? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस से आप डरते हो और डरने वाले लोग ऐसी भाषा करते हैं, कभी मुगल की बात करते हो, कभी मटन की बात करते हो, कभी चिकन की बात करते हो, कभी बीफ की बात करते हो, कभी मुस्लिम लीग की बात करते हो, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं। ये एम वर्ड से बड़ा मोहब्बत है हमारे मोदी जी को। ये सब सारी चीजें जो एम से निकलती है, मटन, मुगल, मंगलसूत्र, मोदी बहुत इस चीजों को बहुत पसंद है। तो उन्होंने ये जो काला धन के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन वो सब अपने मित्रों को ही काला धन का फायदा दिया। अब इधर इधर ये भी बोले उन्होंने कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी अंबानी और अदानी का बात करने का बंद कर दी क्योंकि टेम्पो में बहुत पैसा जा रहा है। अरे भाई, टेम्पो में पैसा जा रहा है और तुम आंखों से देख रहे हो, जिसके घर से पैसा निकल रहा है आपका सीबीआई कहाँ है फिर? आपका इनकम टैक्स कहाँ है? और आपको अगर मालूम है तो आप क्या सो रहे हैं? है हिम्मत तो फिर करो, अदानी अंबानी के पास के पैसे किधर किधर जा रहे हैं, उनके घर जब्ती करो, ईडी का इस्तेमाल करो, आईटी का करो। देखो, ऐसी ये बचपने की बात करना एक प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं दिखती। मैं अहमदाबाद गया था, उसी दिन उनका भी भाषण अहमदाबाद में था, गुजरात में, तो वो भाषण कर रहे थे, उसमें उन्होंने ऐसा उचकाने की कोशिश की, दो खोमों में लड़ाई लड़ना की बात की, और देखिए जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास पैसा है और जिसके पास गाय है, भैंस है, ये है, तो वो लोग, दो भैंस अगर आपके घर में है तो एक भैंस निकाल कर वो मुसलमानों को देंगे, एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है। दो भैंस है तो तुम्हारे पास छीन लेंगे, मुसलमानों को देंगे। दो एकड़ लैंड है तो एक लैंड एकड़ छीन लेंगे, देंगे। अरे इस देश में कानून है। सो इंदिरा गांधी ने तो आपको मालूम है लैंड रिफॉर्म्स लाया, वो पॉलिसी के तहत लाया, बैंक नेशनलाइजेशन किया, पॉलिसी के तहत किया, लाइफ इंश्योरेंस जो नेशनलाइज किया कानून के तहत। ये पॉलिसीज पार्टी के होते हैं, देते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को तुम लोगों को बहकाना, लोगों को एक यानी उनको इंस्टिगेट करना, ये बड़ी बुरी बात है। और मोदी जी अपने 10 साल के शासन में डेवलपमेंट क्या है
वो छोड़ दिए और सिर्फ दूसरों को गालियां देना और छोटी मोटी बातें कह के लोगों का ध्यान भटकाने का काम उन्होंने कर रहे हैं। और मैं मोदी जी से भी पूछता हूँ, भाई तेलंगाना तो बहुत, जब ड्रॉट था, जब मुश्किल में था पैसे के लिए, आप कितना मदद करें? कौन से बड़े प्रोजेक्ट तेलंगाना में लाए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी के जमाने में आए? कौन से तुम्हारे ऐसे प्रोजेक्ट है बताओ जिस जगह 2000 10000 5000 लोग काम करते हैं? अपने प्रोजेक्ट पे बोलते नहीं, डेवलपमेंट तो तुम करते नहीं, लेकिन लोगों में फूट डालने का छोड़ते नहीं। बदले का हालात।